हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि अच्छी सेहत के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे आहारों का सेवन करते रहना चाहिए जिसके अंदर पोषक तत्वों की बिल्कुल भी कमी ना हो। अच्छे आहार के साथ अच्छे ड्रिंक्स का सेवन करना भी बहुत जरूरी है और हेल्दी ड्रिंक के नाम पर हमें एक चाय ही है जो सबसे पहले याद आती है। लेकिन कई लोगों को चाय के साथ साथ कॉफी का सेवन करना भी पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय या फिर कॉफी दोनों में से कौन सी चीज हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छी है? आज मैं आपके दोस्त अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कि हमारी सेहत के लिए कॉफी से ज्यादा बेहतर चाय होती है। तो आइए जानते हैं चाय के कुछ और फायदों के बारे में आज विस्तार से। तो यह है, हमारे शरीर के अंदर कैफीन की मात्रा को बढ़ा देता है जिसकी वजह से हमें माइग्रेन, तनाव या फिर शारीरिक कमजोरी के साथ साथ कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ चाय के अंदर कैफीन की मात्रा उतनी नहीं होती है जितनी की कॉफी के अंदर होती है, और जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जरूर डालते हैं, जैसे कि लौंग, अदरक या फिर इलायची आदि। इन सारे सब्स्टिट्यूट के अंदर भी कई ऐसे तत्व होते हैं जो चाय के साथ मिलने के बाद हमारी बॉडी को कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसीलिए चाय का सेवन करना कॉफी का सेवन करने से काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो रोजाना 2 कप चाय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि चाय की मात्रा भी आप ज्यादा ना करें, क्योंकि किसी भी चीज की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने पर भी आपको इसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे फायदे चाय का सेवन करने के। इसीलिए आज से चाय पीना जरूर शुरू करिए, लेकिन इसकी मात्रा को संतुलित करना भी ध्यान रखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।